हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक आरडी के बारे में। आरडी मींस रिकरिंग डिपॉजिट्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और साथ में दिया गया बेल बटन प्रेस ना किया हो तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। व्हाट इज़ आरडी? आरडी मींस रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी एक सेविंग स्कीम है जिसमें हम हर महीने चूज की हुई अवधि में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। आरडी में इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। यह स्कीम मेनली उनके लिए है जो हर महीने स्मॉल अमाउंट सेव करना चाहते हैं और लास्ट में उनको बड़ा अमाउंट मिलता है। आरडी कैसे काम करती है? सबसे पहले हमें चूज करना पड़ता है कि हमें हर महीने कितना अमाउंट जमा करना है, फिर अवधि चूज करें, फिर हर महीने फिक्स अमाउंट चूज की हुई अवधि के लिए डिपॉजिट करें। अवधि के अंत में आपको डिपॉजिट अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों मिलेंगे। टर्म, आप 6 महीने से 10 साल तक आरडी करवा सकते हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली काउंट होता है। कुछ बैंक इसको 20 साल के लिए भी करते हैं। इंटरेस्ट रेट, आरडी की अवधि के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट के इक्वल रहेगा। आरडी के स्टार्ट करने से लास्ट तक इंटरेस्ट रेट हमारे लिए सेम रहेगा, चाहे आरडी स्टार्ट करने के बाद उसके इंटरेस्ट रेट में चेंज ही क्यों न आ जाए। हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए अपने बैंक में जाना होगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली काउंट होता है। फीचर्स, सेफ इन्वेस्टमेंट है, गारंटी रिटर्न्स है, इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट काउंट होता है। हम हर महीने थोड़ा सा अमाउंट सेव कर सकते हैं और इसमें हमें रेगुलर सेविंग की आदत हो जाती है। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है रेगुलर कस्टमर के कंपैरिजन में। हम लोन के लिए आरडी को सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने पर बैंक से TDS डिडक्ट होता है। बैंक हमें टैक्स डिडक्शन का TDS सर्टिफिकेट देता है। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। आपको टैक्स रिटर्न के दौरान अदर सोर्सेज से आय के तहत इंटरेस्ट इनकम बताना होगा और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा। आरडी की रिटायरमेंट के आधार पर आप चुन सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट पर टैक्स मैच्योरिटी पूरी होने पर भरना है या हर फाइनेंशियल ईयर में। हु कैन ओपन द अकाउंट, इसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप 2 या 2 से ज़्यादा का भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट्स, कम से कम हम मंथली इसमें 100 रुपये जमा कर सकते हैं। मंथली डिपॉजिट अमाउंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। मंथली डिपॉजिट अमाउंट 10 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें मंथली कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, हम बाद में उसको चेंज नहीं करवा सकते। पेनल्टी फॉर नॉन डिपॉजिट, अगर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया तो हमें पेनल्टी चार्ज पे करना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड, स्कीम की मैच्योरिटी पूरी होने पर आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। प्री मैच्योर क्लोजर, टाइम से पहले आरडी क्लोज करने का रूल फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है। टाइम से पहले हम आरडी को क्लोज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पेनल्टी पे करना होगा।
अर्न्ड इंटरेस्ट का पेनल्टी अमाउंट 1% होगा। अगर आप आरडी को टाइम से पहले क्लोज करते हैं और आपका सेविंग अकाउंट माइनस में है तो भी आपको पेनल्टी पे करना होगा। पेनल्टी अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज होता है। लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये हमें टोटल अमाउंट का 90% मिलेगा। अकाउंट ट्रांसफ़र, आरडी अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और आप अपने नॉमिनेट को अकाउंट ओपन करते टाइम या बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं, बट मैच्योरिटी पूरी होने से पहले। एनआरआई रेजिडेंटल आरडी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन एनआरआई आरडी ओपन कर सकते हैं और ये दोनों स्कीम अलग हैं। दोस्तों यहाँ पर आरडी का एक एग्जांपल दिखाया गया है। मान लीजिए हमने 100 रुपये हर महीने के जमा किए और इंटरेस्ट रेट 6% है और इसको हम 10 साल के लिए जमा करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट अमाउंट 12,000 होगा और टोटल इंटरेस्ट 4,443.17 रुपये होगा और फिर टोटल हमारी मैच्योरिटी अमाउंट 16,443.17 रुपये होगा। इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम एंड बैंक टू बैंक वेरी करता है। दोस्तों अगर आपको आरडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।